पर देवेंद्र को डर। जी हाँ, देवेंद्र को डर इसलिए क्योंकि भिलाई के विधायक है देवेंद्र यादव, बलौदा बाजार हिंसा में उनका नाम सामने आया और आज सुबह पुलिस उनके घर पहुंच गई। पुलिस घर पहुंची लेकिन देवेंद्र यादव घर से बाहर नहीं निकले। बाहर वो नहीं निकले लेकिन उनके जो समर्थक थे वो जरूर अंदर आ गए और वो अंदर आए तो उनको उन्होंने साथ भी दिया। और इस बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज भी पहुंचे और दीपक बैज ने भी उनसे बात की। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है और जिस तरह से देवेंद्र यादव ने अपने आप को इसमें बेगुनाह बताया उसके बाद देवेंद्र यादव का कहना है कि इसमें दबाव उन पर बनाया जा रहा है और बिना उनकी परमिशन के छावनी में घर को तब्दील कर दिया गया है। हालांकि पुलिस का अपना दावा है कि वो कार्रवाई के हिसाब से पहुंची हुई है, लेकिन आपको बता दें कि देवेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया और सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि बलौदा बाजार पुलिस सुबह से मेरे घर को छावनी बनाकर यहाँ पर रखे हुए हैं और बिना अनुमति के घर में दाखिल होने का प्रयास कर रही है। हालांकि देवेंद्र यादव गिरफ्तारी के डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बता दें कि 10 जून को सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान अचानक से लोगों की उग्र भीड़ यहाँ पर आई थी और उसके बाद कलेक्टर और एसपी दफ्तर में आगजनी की गई थी। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, करोड़ों का नुकसान हुआ, बिल्डिंग को फूंक दिया गया और इस पूरे हिंसा के मामले में पुलिस ने 163 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की। तो इस पूरे मामले को लेकर अब गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है देवेंद्र यादव के ऊपर। देखना होगा कि क्या उनकी गिरफ्तारी होती है क्या। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, साया सरकार, पहले तो वो विफल हो जाती है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा काला दिन आता है, पूरे देश में कहीं ऐसे देखने को नहीं मिला और ना ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा शायद कि जब एसपी कार्यालय फूंक दिया गया, कलेक्टर कार्यालय फूंक दिया गया, प्रशासन आग बन करके देखता रहा, परमिशन लेके लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद ऐसा होता है। उसके बाद क्या करती है पुलिस, क्या करती है सरकार, निर्दोष लोगों को उठाती है, जितने सत्तामी भाई है साथी है उन्हें बिना किसी सबूत के उठाती है, जेल ले जाती है और उसके बाद एक नेता के खिलाफ बयान देने पर दबाव देती है। और परिवार की तरफ से धर्मेंद्र जी भी लगातार पुलिस वालों से पूछ रहे हैं कि यदि आपके पास कोई सूचना है, कोई लिखित में आदेश है या जो भी चीजें होंगी, लीगल पार्ट जो है वो है तो आप हमें दिखा दो, पर अभी तक वो बताए नहीं है। जो जानकारी मिली है, मैंने भी इनसे पूछा है कि आप कहाँ से आए हैं, तो बोले कि हम लोग बलौदा बाजार से। गिरफ्तारी हो सकती है, छावनी में तब्दील हो चुका है भिलाई का उनका निवास। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद नारायण ओझा भी जुड़ चुके हैं। आनंद, पुलिस की बड़ी टुकड़ी पहुंची हुई है, फिलहाल वहां पर क्या हालात है और आखिरकार देवेंद्र यादव सामने क्यों नहीं आ रहे, उनको किस बात का डर है? अगर वो पाक साफ है, अगर उनका कोई गुनाह नहीं है तो वो सामने आके अपना पक्ष क्यों नहीं रखते? यही बात चर्चा का विषय बना हुआ है कि कब आएंगे और क्या विषय क्यों रखेंगे और पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं। लगातार जब मामला है, इनको जाना ही है इस मामले में, तो बलौदा पुलिस लगभग सुबह 10 बजे से यहाँ आ गई है। दुर्ग पुलिस भी लगातार है, आईपीएस 2-3 दिन आईपीएस यहाँ पर लगे हुए हैं और एडिशनल एसपी सहित तमाम अधिकारी लगे हुए, एसएफ का बल भी आ गया है, उनके समर्थक भी है। दीपक बैज का लगभग 4 घंटा से बैठे हुए हैं सुबह धरितवाल के साथ उनके निवास में। तो जब गिरफ्तारी देनी ही है, गिरफ्तारी होनी ही है, आपको बता दिया गया कि यह धारा है, तो किस बात का इंतजार है? अभी कुछ समय पहले जानकारी ये आई है कि वो अब घर से बाहर निकलने वाली है, यानी कुछ मिनटों में उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। आएंगे, इस मामले मीडिया को बयान देंगे और फिर सीधा वो उनको बलौदा पुलिस पर ले जाया जाएगा, ये नई जानकारी आ रही है। लेकिन कब किस कितने बाद कितने देर में होगा ये हो नहीं पा रहा, क्योंकि लगभग 12 या 2 बजे से लगातार 12 बजे फिर बोला गया, फिर 2 बजे से बोला गया कि ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा फाइनली कि उनको ले जाया जाएगा और बलौदा वाले पूछताछ होगी और उसके बाद फिर आगे क्या हो सकता है इस मामले में, ये जानकारी पुलिस द्वारा दी। लेकिन आनंद, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो 12 बजे से हम देख पा रहे हैं कि एक तरीके से यहाँ पर शक्ति का केंद्र बन गया उनका बंगला और एक दबाव की जो राजनीति वो दिख रही है, यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि खुद पीसीसी चीफ बैठे हुए 4-5 घंटों से, बाकी नेता पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, तो जो दबाव की राजनीति है ये कितना काम करेगी? देखिए, दो प्रकार की यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो कांग्रेस और युवा कांग्रेस और बाकी उनके अन्य साथी लगे हुए हैं, आखि बता रहे हैं कि हमारे लीडर देवेंद्र यादव हैं और उनके लीडर भूपेश बघेल ये पूर्व मुख्यमंत्री, तो लगभग 100 गाड़ियां यहाँ पर, 6 जो सीसी सेंटर के से लेकर सेक्टर 5 निवास तक लगी हुई और
500 से 1000 मतलब हजारों के आसपास इनके समर्थक यहाँ लगे हुए हैं। तो ये एक दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमारे पास शक्ति है और हम शक्ति के आधार पर कुछ भी करना चाहते हैं। वहीं अगर पुलिस के आधार पर बात की जाए, पुलिस अधिकारी ये बता रहे हैं, उनका कहना है कि जो अपराध दर्ज हुआ है, आप बोल रहे हैं कि इस मामले में आरोपी नहीं है और लगातार हम सतनामी समाज के साथ हैं, तो आप चलिए अपना पाक साफ होना आप सिद्ध करिए, ये एक बातें हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अन्य सूत्रों से जानकारी हुई कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनने की जानकारी देवेंद्र यादव की हो रही थी, तो कुछ उनके हिसाब से ये चाह रहे थे कि देवेंद्र यादव गिरफ्तारी हो जाए। तो वो जो लगातार आईएनसी हरिभूमि के जो फेसबुक पेज है या अन्य पेज पर लगातार यही जानकारी लोग ले रहे हैं, अच्छी उनकी गिरफ्तारी कितने बजे होगी या क्या होगी। बीजेपी के लोग तो ले ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के साथी भी इनके इस एंगल पर जानकारी लेना शुरू कर दिए, क्योंकि राजनीति का नया रंग भी है समझ में आने लगा है यहाँ से। और ये गिरफ्तारी एक कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल क्रिएट करने और एक यहाँ माहौल बनाने वाली गिरफ्तारी यहाँ पर होकर रह गई है। अब कुछ मिनटों में दिखाने की कोशिश ये भी है कि वो पब्लिक के हीरो है और उनको पब्लिक के बीच से ले जाना मुश्किल होगा, इस तरह का भी एक माहौल बनाने की कोशिश है। पर आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।